पाकिस्तान ने इंडिया को मात दे दी है। नाम आज याद रखा जाएगा अजान का, जिन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाया। इंडिया पाकिस्तान से हारा है और ये बात हमेशा बड़ी होती है। आपका मेन मैच अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान से था ना, आप उनसे इतनी बुरी तरह से आ रहे हो, मैं कहूंगा वन साइडेड आ रहे हैं। तो अजान उनके लिए ताली अच्छी बैट, बाकी तीनों ने मार मोड़ के काम खत्म किया। 47 ओवर इजी बैटिंग, यही मेरी फसल, इजी चेस किया है अंडर 19 में। ये जो अजान है लड़का, कितना स्मूथ लेके गया। देखो जो मैच हम देख भी रहे थे उसकी भी तारीफ आप करो ना, जब 100 मार दिया उसने, ये देखिए आप जो ये है अजान अवेस, ठीक है ना, 105 रन मारे 130 बॉलों में, 10 चौके मारे, 80 की स्ट्राइक रेट, इस लेवल के ऊपर, इस उम्र के अंदर इतनी मेच्योरिटी के साथ उसने चेस किया पूरा, कहीं पे भी घबराया नहीं। इट्स एन इंडिया पाकिस्तान गेम दोस्तों, जैसा कि आप हाईलाइट में देख चुके हैं, चल सैकड़ आगे करके आप मुकम्मल वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अंडर 19 वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा था जहाँ पर पाकिस्तान ने इंडिया को मात दे दी है। इंडिया का दूसरा ग्रुप स्टेज का मुकाबला था, इंडियन क्रिकेट टीम ने टारगेट दिया था 260 रनों का, जिसको पाकिस्तान ने 3 ओवर पहले बचते ही कर दिया चेस डाउन। विकेटें पाकिस्तान के सिर्फ 2 गिरी थी। नाम आज याद रखा जाएगा अजान का, जिन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाया। इंडिया पाकिस्तान से हारा है और ये बात हमेशा बड़ी होती है, भला वो हॉकी है, कबड्डी है, फुटबॉल है, कोई भी गेम है, अंडर 19 है, ओवर एज है, एमर्जिंग है, जहां मर्जी है, और पाकिस्तान ने हमें दूसरी बार हराया है लोअर स्टेज लेवल्स पे। यार आप नेपाल को हरा लो, अफगानिस्तान को हरा लो, आपका मेन मैच अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान से था ना, आप उनसे इतनी बुरी तरह से आ रहे हो, मैं कहूंगा वन साइडेड आ रहे हैं। 260 रन आपने बनाए, जहां जहां पार्टनरशिप बन रही थी 60 रन बना रहे थे, 63 रन बना रहे थे और अपनी विकेटें लगातार गवा रहे थे। और जीशान ने पिछले मैच में, जीशान की तारीफ करूंगा भाई मैं, पिछले मैच में 6 विकेटें ली थी, इस मैच में 4 विकेटें ली है, 2 मैच के अंदर 10 विकेटें, इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भाई। और बात भी हो रही थी जब 260 रन बने थे, सबने यही बोला कि इस ट्रैक पे बैटिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है और 260 रन बन गया आपका विनिंग टोटल होगा। मैं कहा भाई अच्छा ठीक है, बहुत मुश्किल है बैटिंग, बट जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई लगा ही नहीं कि भाई आपका जो पिच है इतनी मुश्किल है, बहुत आसानी से रन बन रहे थे, एक विकेट गिरी उसके बाद जो कहते ना आपने बिल्कुल हथियार डाल दिए। कैसे करो, क्या हुआ सुशांत भाई, शांत हो, बिल्कुल ही शांत हो गए, आ जाओ यार फुल स्क्रीन पे आ जाओ। नहीं, इनकी पाकिस्तान की बैटिंग दिखा दीजिए पहले तो अजान, उनके लिए ताली अच्छी बैटिंग, अंडर 19 है, अंडर 19 आपको ये बताता है कि आपके भविष्य कितना उज्जवल है। yes. हमारा भविष्य हमारे सामने है, एक भविष्य अभी देख के आए, भूतकाल में आपके वर्ल्ड कप में क्या उन्नीस दिन पहले जहाँ हमारे कोच बोल रहे हैं और बात हो रही है कि जी पिच हमारे मतलब की नहीं बनी, तो बेटा अगली बार पिचों में गड्ढे खोद लेना, दूसरे वालों गड्ढों में मतलब धक्के दे के आना, बदमाशों को बुला के ना पिचों में गाड़ देना लोगों को, तब जाके जीतना। आप देखें कि 263 का चेस, 263/2 बनाए इन्होंने, 63 एक ने मार दिए, 105 एक ने मार दिए नॉट आउट अजान ने। आप देखिए यहाँ पे शहजेब जो है उसने 63, अजान ने 105 नॉट आउट, और साद बेग कैप्टन जो है उन्होंने 68 नॉट आउट, ठीक है, 51 बॉल्स, बेसिकली एक विकेट गई है ऊपर वाली जो जल्दी गई है हुसैन की, बाकी तीनों ने मार मोड़ के काम खत्म किया 47 ओवर में, इजी बैटिंग, यही मेरी फसल, इजी चेस किया है अंडर 19 में। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपका भविष्य दिखता है आपको, तो हमारा भविष्य पर्चियों में ही मेरे ख्याल से रह गया है। देखो एक चीज ये देखते हैं, इसका स्कोर कार्ड दिखाओ, अभी हम अंडर 19 हारे हैं ना, इसका स्कोर कार्ड दिखाओ एक बार आप। ये जो अजान है लड़का, कितना स्मूथ लेके गए। देखो जो मैच हम देख भी रहे थे उसकी भी तारीफ आप करो ना, जब 100 मार दिया उसने, ये देखिए आप जो ये है अजान अवेस, ठीक है ना, 105 रन मारे 130 बॉलों में, 10 चौके मारे, 80 की स्ट्राइक रेट, इस लेवल के ऊपर, इस उम्र के अंदर इतनी मेच्योरिटी के साथ उसने चेस किया पूरा, कहीं पे भी घबराया नहीं। इट्स एन इंडिया पाकिस्तान गेम जहां पे शुरू में विकेट चली गई है ना, अभिषेक ने शुरू में आउट कर दिया हुसैन को, तो ये आया वन डाउन, अब वन डाउन आकर पूरा का पूरा ऐसा संभाल लिया, कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन है वन डाउन, हमेशा हर देखो आपका बेस्ट प्लेयर जो है ना मोस्टली वो वन डाउन ही खेलता है, किसी फॉर्मेट में आप देख लो, क्लासिक तरीके से अगर आप देखो तो अब तो ओपनर भी है वैसे, लेकिन आप ऊपर ही खिलाता ज्यादातर, तो कितना स्मूथ लेके गया, ऊपर से कप्तान को देखो 51 बॉल्स में 68 मार मार के भरता बना दिया, 8 चौके और एक छक्का, जहां दूसरी विकेट गिरी थी लग रहा था कि प्रेशर बनेगा, अब इंडिया डॉट बॉल करके फिर कमबैक करेगा, और वहां पर कप्तान ने आके जिस स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, आते ही चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए, उन्होंने मैच ही खत्म कर दिया आके, जहां लग रहा था कि भाई शायद चांस है कि मैच फंस जाएगा आपका, ये पाकिस्तान ने इतनी मैच्योरिटी से बैटिंग किया ना, इतनी मैच्योरिटी से लोगों ने बैटिंग की है, हम मैच भी देख रहे थे साथ साथ, कोई भी आप कह सकते हो हाफ चांस नहीं बनाया, यू हैव टू गिव देम देयर प्रॉप्स ना, अच्छा खेले, और यहीं पे इंडियन बैटर की मैं आपको बताता हूँ, हमारे कैप्टन
उदय शरण 98 बॉल्स 60 रन, 98 बॉल्स 60 रन। स्ट्राइक रेट देखो यार, युवराज सिंह के 61 की स्ट्राइक रेट है। केएल राहुल के फैन होंगे ना, नहीं उससे भी कम वैसे युवराज सिंह के, लेकिन खेल तो नहीं रहे ना वैसे, अंदर से तो डीएनए तो केएल राहुल वाले नजर आ रहे हैं। केएल राहुल के, मगर मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि यार हमारा जो एक एक चीज ये है कि हमारी जो लक्षित जी को घमंड है कि हम बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी, इतने प्लेयर, इतना बड़ा पूल, क्या मतलब, वाओ, क्या बट एनी प्लेयर्स लुकिंग लाइक अ वाओ, व्हाट इज दिस, हाउ, व्हाट। यहां जिस तरह हम पहले ही कह रहे थे कि भाई आपको पाकिस्तान के बैटर्स को पूरा कह सकते हैं कि अप्रिशिएट करना होगा, बिकॉज उन्होंने एक भी टाइम पर बोलर्स ने विकेट ली, बट बैटर्स ने जिस ट्रैक पर लग रहा था ना पहली पारी के बाद, कमेंटेटर्स भी कह रहे थे कि हां बैटिंग के लिए ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कुछ हद तक वहां पर चैलेंज रहेगा, वो बिल्कुल भी चैलेंज नहीं रहा। जिस तरह से आजान की खासकर सेंचुरी रही है, इसका क्या कारण है कि हम चैलेंज नहीं दे पाए, क्या पर्ची सिस्टम का कारण है इसका? पर्ची तो नहीं, चलो पर्चियां चल रही हैं, प्लेयर्स अच्छे हैं, क्या हमारे पास ऐसे प्लेयर नहीं है जो विकेट ले सकते हैं? क्या उनके पास ऐसे प्लेयर आ गए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिन्होंने मतलब सेंचुरियां मार दी है, दो ने 50 मार दी है, एक ने सेंचुरी मार दी, दो मैच में 10 विकेट ले गए, आप मर मरा के आपसे 250 रन नहीं बन रहे रिगड़ रिगड़ के फाइनल आप हार गए, लेकिन अंडर 19 के हिसाब से भाई ये अच्छे अचीवमेंट है पाकिस्तान। अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले भी आपको ये बोला था कि हमारे लोगों को हमको क्रिटिसाइज करने का राइट है कि हम तो है भैया अरबोपति, इनको क्या मिल रहा है बेचारों को, फिर भी मैच जिता रहे हैं। हमारे यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए मिल रहा है, सोने की थालियों में खाना परोसा जा रहा है, चांदी के ग्लासों में पानी पी रहे हैं, वहां पे दूसरी टीम जाके पानी पिला के जा रही है आपको, फाइनल हार रहे हैं, फाइनल आप हार रहे हो, इमर्जिंग एशिया कप में आप हार रहे हो पाकिस्तान से, आपका वो जो हुआ अभी जो हुआ ये अंडर 19 एशिया कप यहाँ पे आप हार गए, विमेन्स आपकी रोज हार रही है, विमेन में आप देख लो कल का मैच 80 का हार हो गए, विमेन में आप रोज हार रहे हो, नहीं आप मतलब क्या एंजॉय किस बात पे कर रहे हैं माम, आप कोई इस बात की अकड़ है आप में पैसे की, नहीं पैसे में आप अकड़ रहे हो, क्या क्या हार लिए पैसे नहीं बताया। देखो जो ये अपॉर्चुनिटी है, ऐसा नहीं बोलोगे आपकी 19 साल की है अभी तो कुछ भी नहीं है, आपको बड़ा स्टेज मिला है, नहीं तो वो 35 साल के हैं वो जो खेलने हैं, वो भी तो 19 साल, वो भी तो परफॉर्म कर रहे हैं यार, 18-19 साल, उनके पास तो कम फैसिलिटीज है जैसे कि आपने भी कहा, और वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं। स्ट्रेट फ्रॉम किंग्स मीट डर्बन, वहां बारिश के आसार बन रहे हैं और कवर सभी के लिए मैदान पर है, तो वहां पे उम्मीद कीजिए कहीं तो बच गए कहीं तो बच गए, और वहां पे डर लग रहा था, वहां डर लग रहा था, वहां पे बारिश ना होए, छित्रोल आपके लिए तैयार करके रखे साउथ अफ्रीका ने, मैं बता रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे तो आप पिचे बना बना के बच गए। मैं उस दिन मैंने सोचा, मैं पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी हम 10 मैच जीत गए वो, लेकिन 10 मैच जीतने के बाद में मैंने ट्वीट भी करा था कि यार भाड़ में गए 10 मैच, आप ये देखो कि हम 10 साल से नहीं जीते। और दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।